गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स चैप्टर फाइव पेज नंबर 23। चैप्टर फाइव पेज नंबर 23। जेने कच्छ ना जोयू एने कईज ना जोयू। जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। तो आज हम पढ़ेंगे कच्छ की भव्यता के बारे में। ભારતની ભૂમ પર સંસ્કૃતિ અને સ્થાપત્યના સંવર્ધનમાં કચ્છનું પ્રદાન કંઈક વિશેષ છે। આ ભારતના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં આના ઘણા પ્રમાણો જોવા મળી આવ્યા છે। તો ચાલો આ પવિત્ર ભૂમિની વિગતે ચર્ચા કરીએ। ભારત કી ધરતી પર સંસ્કૃતિ ઓર સ્થાપત્ય કે સંવર્ધન મેં કચ્છ કા પ્રદાન કુછ યોગદાન કુછ અલગ હી હૈ। भारत के प्राचीन इतिहास में पुराने इतिहास में भी इसका प्रमाण देखने को मिला है। तो चलिए आज हम इस पवित्र भूमि की विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक भूमि कच्छ। कच्छना पाटनगर भुज थी 150 किमी दूर आवेला कच्छना ऐतिहासिक किल्ला नु नगर लखपत कच्छ राज्य ना समय में खूबज महत्वनु हतु। कच्छ के पाटनगर भुज से 150 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ ऐतिहासिक किला किले का नगर लखपत कच्छ के राज्य के समय में बहुत ही महत्व का था। कच्छनो आ अद्यतन किलो 17मी सदीना अंत अने 18मी सदीना पूर्वार्धनी कच्छनी अस्मितानो साक्षी छे। कच्छ का ये अद्यतन किला कच्छ का ये किला 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी के पूर्व कच्छ के भव्यता का साक्षी है। आजनु लखपत एक समय बस्ता बंदर तरीके ओळखा थी। एक समय में आज का जो बस्ता बंदर आज का लखपत है वो एक समय में बस्ता बंदर के नाम से भी जाना जाता था। कच्छना महाराव लखपत जी ए आ बंदर नो पायो नाख्यो हतो। कच्छ के महाराजा लखपत जी ने इस बंदर को बनाया था। कच्छना सिंध साथेना व्यापारनुं आ मुख्य केन्द्र गणातुं। कच्छ के सिंध प्रदेश के साथ का व्यापार का ये मुख्य केन्द्र था। कच्छनी एक समयनी जीवादोरी समान सिंधु नदीना वहेणने सिंधना अमीर गुलाब शाह कलोराए नदी पर बंद बांधी पाणी रोक्युं हतुं। एक समय के कच्छ की जीवादोरी मतलब जीवन जीने के लिए जरूरी ऐसी सिंधु नदी के पानी को सिंध के अमीर गुलाब शाह कलोरा ने नदी पर बंद बांध दिया था और पानी को रोक दिया था। सिखों के धर्मगुरु और सिख धर्म के स्थापक गुरु नानक सिंधना हिंगड़ा पीरसवा जता हता। उस समय सिखों के धर्मगुरु और सिख धर्म के स्थापक मतलब जिसने सिख धर्म की स्थापना की वो सिख धर्म के स्थापक गुरु नानक सिंध के हिंगलाज में जा रहे थे। ते दरमियान आज लखपत में केटलाक समय रोकाण कर्यु हतु। उस दरमियान उस वक्त उन्होंने इसी लखपत में ही कुछ समय रुके थे। तेनी यादगिरी रूपे गुरुद्वारा पण लखपत में छे। उसकी यादगिरी के रूप में गुरुद्वारा भी लखपत में है। हाटकेश्वर जी नू मंदिर अने नागर साई तळाव आजे पण छे। हाटकेश्वर जी नू मंदिर भोलेनाथ का मंदिर और नागर साई तालाब आज भी वहां पे है। महाबंदर धोळावीरा अने अपनी संस्कृति। धोळावीरा पूर्व कच्छना खडीर बेट मां आवेलू छे। धोळावीरा पूर्व कच्छ में आया हुआ है। आ बेट चारे तरफ थी घेरायेलो छे। यह टापू पूरी तरफ चारों तरफ से घिरा हुआ है। ईस्वी सन 1930 ना दायका मा कच्छ मा पड़ेला दुष्काल ना समय मा खडीर विस्तार मा चाली रहेला एक राहत काम दरमियान शंभुदान भाई गढ़वी ने एक मुद्रा मळी। ईस्वी सन 1930 के दशक में कच्छ में अकाल था। उस समय खडीर विस्तार में चल रहे राहत काम के दरमियान खुदाई करने से शंभुदान भाई गढ़वी नाम के एक व्यक्ति थे उनको एक मुद्रा मिली थी। वो मुद्रा उन्होंने उस समय सत्ताधीशों को सौंपी।
सत्ताधीशों ने पहुंचाड़ता उत्खनन कार्य हाथ धरावता आ विशाळ हड़प्पीय नगर सिंधु स्थापत्यनो उत्कृष्ट नमूनो पुरवार थयो। वो मुद्रा उन्होंने उस समय सत्ताधीशों को सौंपी। सत्ताधीशों को सौंपने के बाद उन्होंने वहां पे खुदाई का काम करवाया और उस समय खुदाई करने के समय वहां पे सिंधु हड़प्पीय नगर सिंधु की स्थापना का वहां पे स्थापना है ऐसा माना गया, जेने कच्छ ने आंतरराष्ट्रीय ख्याति अपावी दी थी, जिसने कच्छ को इंटरनेशनल पहचान दिलाई। मणकाओ थी लखायेला 10 अक्षरो के संज्ञाओ छे हजू सुधी आपने लिपि उकेली सक्या नथी। मोतियो से लिखी हुई 10 अक्षर या कुछ संज्ञाएं मिली है, लेकिन आज तक हम उस लिपि को पहचान नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं। अलभ्य नारायण सरोवर कच्छना पश्चिम समुद्र किनारे आवेलू पुराण प्रसिद्ध नारायण सरोवर बाणनु महातीर्थ स्थान गणाय छे। कच्छ की पश्चिम की ओर समुद्र किनारे आया हुआ बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना मंदिर नारायण सरोवर बाण का महातीर्थ स्थान जाना जाता है, ज्यां हिंदना 5 पवित्र स्थानी यात्रा विना अने नारायण सरोवर में स्नान कर्या विना भारतना अन्य तीर्थ धर्मों की यात्रा अधूरी गणाय छे। जहां हिंद के 5 पवित्र स्थान 5 पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा और यात्रा के बिना और नारायण सरोवर में स्नान किए बिना भारत के अन्य तीर्थ धामों की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसका उल्लेख भागवत ब्रह्मवैवर्त मत्स्य पुराणों में आवेलो छे। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? भागवत ब्रह्मवैवर्त और मत्स्य पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। अहीनो कार्तिक पूर्णिमा नो पवित्र मेळो यात्राळुओं ने आकर्षे छे। यहाँ पे लगने वाला कार्तिक पूर्णिमा का मेला वहाँ पे आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कच्छ राज्य ना कुळदेवी माँ आशापुरा। माँ आशापुरा जी नु मंदिर आश्रे 1220 वर्ष जूनु छे। माँ आशापुरा जी का मंदिर लगभग 1220 वर्ष पुराना है। कच्छना राजवी जाडेजा वंशना कुळदेवी होवाना नाते प्रत्येक कच्छी पण एने आदरथी माथું નમાવે છે। कच्छ રાજ્યના કુળદેવી હોવાના નાતે નવરાત્રીમાં કચ્છના રાજવંશ તરફથી આશાપુરા માતાને ચાદર ઓઢાડવાની પરંપરા રાજાશાહીના સમયથી ચાલી આવે છે। કચ્છ કે રાજવી જાડેજા વંશ કે થે ઓર ઉનકી કુળદેવી માં આશાપુરા હે। कच्छ राज्य की कुलदेवी होने के नाते नवरात्रि में कच्छ के राजवंश की तरफ से माँ आशापुरा को चादर ओढ़ाने की परंपरा राजाशाही समय से चली आ रही है, जे आजे पण चालू छे, जो आज भी चालू है। पवित्रता अने ऐतिहासिक भूमि नो समन्वय अहीं जोवा मळे छे। पवित्रता और ऐतिहासिक भूमिका यहाँ समन्वय देखने को मिलता है। सुंदर अतिथि गृह तथा भोजनशाला की खूब सुंदर व्यवस्था छे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर अतिथि गृह है और भोजन की भी खूब सुंदर व्यवस्था की गई है। भुजनी मध्यमा आवेल दरबार गढ़ना चौकमा आवेल छे आईना महल, अरीसाओनो महल। आईना महल कहाँ आया है? भूज के बीचों बीच दरबारगढ़ के चौक में आया हुआ है। आज थी 250 वर्ष पहला नु निर्माण थयेल छे। आईना महल आज से 250 साल पहले बना हुआ है। राव लखपत जीए मुगल बादशाह नो दबदबो जोई कच्छमा पण एमने कंईक करवानो मनसूबो कर्यो हतो। कच्छ के राजा लखपत जी ने मुगल बादशाहों को देखकर उनकी भव्यता को देखकर कच्छ में भी कुछ ऐसा करने का सोचा। आ महल में दीवाने आम दीवाने खास उनाड़ा में तापथी बचवा पानी ना फुवारा वालों
खास व्यवस्था वाली एक खानगी रूम अने आईना हॉल छे। इस महल में दीवाने आम, दीवाने खास और गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए पानी के फव्वारों वाला एक खास रूम भी है और एक आईना हॉल भी है। आईना महल में केटलाक नवा विभागों उमेरी तारीख 1/1/1997 ना मदन सिंहजी म्यूजियम बनावामां आव्युं। आईना महल में कुछ और नए कमरे बनवाकर 1997 को मदन सिंहजी म्यूजियम भी बनाया गया। आ म्यूजियम में कच्छी शैली ना चित्रपटो, सवारी नी पालखी, वराड यंत्र, राजवी पोशाक, राज्यकाल ना दस्तावेजो, अलभ्य तस्वीरों, निशान, डंका, कच्छी चलनना सिक्का वगैरह मुकेल छे। इस म्यूजियम में कच्छ की शैली को दर्शाते हुए कुछ चित्र और सवारी की जाने वाली पालखी, वराड़ यंत्र, स्टीम यंत्र, राजवी पोशाक और राज्य काल में होने वाले दस्तावेज और कुछ अलभ्य तस्वीर जो अलभ्य नहीं मिलने वाली तस्वीरें और कच्छ में चलने वाले कॉइन वह सब इस म्यूजियम में रखा गया है। ऐतिहासिक जेसल तोरलनी समाधि। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक जेसल तोरलनी समाधि। अंजार मां आवेल जेसल तोरलनी समाधि अने लोक कथा मां करायेलू तेनू निरूपण मुलाकातियों ने संसार नी विरक्त भावनाओं ने जागृत करे छे। अंजार में आए हुए इस जेसल तोरल की समाधि को लोक कथा में जो वर्णन किया गया है वो यहाँ आने वाले मुलाकातियों को संसार की विरक्त भावनाओं से जागृत करता है। अलखनी आराधना जगाड़नार जेसल तोरल नी समाधि अने लोक कथा मां करायेलू निरूपण अलग जगाने वाले जेसल तोरल की समाधि और लोक कथा में किए गए वर्णन की अमर गाथा आज भी लोगों के हृदय में अंकित है। 2001 ना धरती कंप में आ समाधि नु मंदिर ध्वस्त थई गयू हतु जेनो जीर्णोद्धार करायो छे। 2001 में होने वाले धरतीकंप में इस समाधि का मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, पूरी तरह से गिर गया था, जो फिर से नया बनाया गया है। अरबी समुद्र ना किनारे कोरिकिकना भोले भंडारी नु पवित्र स्थल कोटेश्वर। अरबी समुद्र ना किनारे कोरिकिकना नाका पर पवित्र कोटेश्वर महादेव नु प्राचीन मंदिर भारत नी एक विख्यात यात्रा धाम छे। अरबी समुद्र के किनारे आया हुआ पवित्र कोटेश्वर महादेव का पुराना और भव्य मंदिर भारत में जाने जाना वाला एक पवित्र यात्रा धाम है। भारत ना पश्चिम भाग ना जमीन नो अंत आ पवित्र मंदिरे थाय छे। भारत की पश्चिम भूमि के भाग का अंत इस पवित्र मंदिर से होता है। ऐतिहासिक तेमज पौराणिक पण अलभ्य इतिहास धरावे छे और ये मंदिर ऐतिहासिक और बहुत ही पुराना और अलभ्य इतिहास भी उस मंदिर का अपना है। लंकापति रावण ने कोटेश्वर थी लिंग लंका सुधी लई जाई प्रतिष्ठा करवानु वरदान मांग्यु हतु। लंकापति रावण ने कोटेश्वर से भोलेनाथ का लिंग ले जाके लंका में स्थापित करने का वरदान भी मांगा था। काळो डूंगर गुरु दत्तात्रेय नु मंदिर। काळो डूंगर ए नखत्राणा थी 14 किलोमीटर ना अंतरे आवेल एक अलग ज डूंगर छे। काला डूंगर नखत्राणा से 14 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ एक अलग ही छोटा सा डूंगर है। गुरु दत्तात्रेय नु पवित्र मंदिर अहीं आवेल छे। यहाँ पे गुरु दत्तात्रेय का मंदिर आया हुआ है। काला डूंगर पर थी सिंधु नदी नो पट जोवा मळे छे। काले डूंगर से सिंधु नदी दिखाई देती है। तेमज इंडिया ब्रिज के जे हिंदुस्तान पाकिस्तान नी सीमा ने जोड़तो ब्रिज छे।
और यहाँ पे इंडिया ब्रिज भी है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा को जोड़ता है। कहवाय छे के रात्रिना समये आ डूंगर परथी पाकिस्तानमां आवेल कराचीनी लाइटो देखाय छे। कहा जाता है कि रात के समय इस डूंगर पर से पाकिस्तान में आए हुए कराची की लाइटें यहाँ से दिखाई देती है। रमणीय सागर तट मांडवी। समग्र गुजरात ना 1650 किलोमीटर ना दरिया किनारा मा मांडवी नो बीच खूब ज सुंदर अने सहेलाणीओ माटे आकर्षण नु केन्द्र छे। समग्र गुजरात के 1650 किलोमीटर ने आए हुए दरिया किनारे में मांडवी का बीच बहुत ही सुंदर और यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मांडवी ना हवा पानी आरोग्यप्रद छे। मांडवी की हवा और पानी सेहत के लिए अच्छी है। तेनो बीच शांत अने सुंदर छे। इसका बीच मांडवी का बीच शांत और सुंदर है। एवं कहवाये छे कि गुजरात नो आ बीच गोवा ना बीच करता पन सुंदर छे। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात का ये बीच गोवा के बीच से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। गुजरात अने पाकिस्तानी बॉर्डर नु छेल्लू गाम हाजीपीर। गुजरात और पाकिस्तान की बॉर्डर पर जो लास्ट गाँव है वो हाजीपीर है। कच्छना छेवटना विस्तार में आवेलू पवित्र स्थल हाजीपीर, मतलब कच्छ के लास्ट में, कच्छ जहाँ ख़त्म होता है वहाँ उस विस्तार में आया हुआ पवित्र स्थान यानी कि हाजीपीर। अहीं चैत्र मासना पहला सोमवारे मेड़ो भराय छे। यहाँ पे चैत्र माह के पहले सोमवार में मेला लगता है। अनेक श्रद्धालुओं अहीं आवे छे। यहाँ पे अनेक श्रद्धालु आते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ख्रिस्ती तमाम संप्रदायना लोको अहीं आवी पवित्रतानो अनुभव करे छे। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग यहाँ पे आके पवित्रता का अनुभव करते हैं। कच्छ अलभ्य गुड़खर अभ्यारण्य। आ अभ्यारण्य ए भारतीय जंगली गधेड़ो एटले के गुड़खर नु विश्व नु अंतिम आश्रय स्थल छे। यह अभ्यारण्य भारतीय जंगली गधे यानी कि गुड़खर के लिए विश्व का अंतिम आश्रय पाने वाला स्थान है। तेमना संवर्धन माटे आ स्थाने भारतीय गुड़खर अभ्यारण जाहिर करायु छे। उनको रखने के लिए इस स्थान को भारतीय गुड़खर अभ्यारण के नाम से भी घोषित किया गया है। आ आखो प्रदेश दुष्काळग्रस्त होवा छता जैविक विविधता थी संपन्न छे। यह पूरा प्रदेश अकालग्रस्त होने के बाद भी बहुत सारी विविधता से भरा हुआ है। आ क्षेत्र घना स्थानीय अने स्थलांतर करनारा जल पक्षीओ जेम के क्रॉच, बतक, बगला, पेलिकन, सुरखाब अने जमीन परना पक्षीओ जेम के ग्राउस, फेकोलिंग अने भारतीय पक्षीओनु निवास स्थान छे। यह जगह बहुत से स्थानीय मतलब यहाँ रहने वाले और स्थलांतर मतलब आना जाना करने वाले जल के पक्षी जैसे कि क्रॉच, बतख, पेलिकन, सुरखाब और जमीन पर के पक्षी जैसे कि ग्राउस, फेकोलिंग अने भारतीय पक्षियों निवास स्थान छे और भारतीय पक्षियों का निवास स्थान है। आ सिवाय भारतीय सियाल, लाल सियाल, रणनू सियाल अने नील गाय पण जोवा मळे छे। इसके अलावा यहाँ पे भारतीय सियाल मतलब फॉक्स और नील गाय भी यहाँ देखने को मिलती है। कच्छनू सफेद रण, व्हाइट डेजर्ट। पारंपरिक दरियाना खाड़ीवाड़ा विस्तार में खास पानी नी चादर छे। त्या जमीन पर सफेद कलर जोवा मळे छे। पारंपरिक दरिया के खाड़ी वाले विस्तार में खास पानी की चादर जहाँ जमीन पर सफेद कलर में देखने को मिलती है। राज्य सरकार ना युवक सेवा अने संस्कृति प्रवृत्ति ना संयुक्त उपक्रमे रणोत्सव उत्सव तरीके विकसावाता आ व्हाइट डेजर्ट ने विश्व फलक पर नामना मळी छे। राज्य सरकार के प्रयासों से रणोत्सव को उत्सव के तौर पर मनाने से
विकास करने से वाइट डेजर्ट, वाइट रण, कच्छनू सफ़ेद रण मतलब वाइट डेजर्ट को विश्व फलक पर नामना मिली, मतलब कि पूरे विश्व में जाना गया है। पूनमनी चांदनी में आ सफ़ेद रण कई अलग रंग रूप में सजेल देखाय छे। पूनम की चांदनी में यह सफ़ेद रण वाइट डेजर्ट कुछ अलग ही रूप रंग में देखने को मिलता है, अलग ही सजा हुआ दिखाई देता है। इतिहासना पानाओं ने जो जोवामां आवे तो विश्वमां कोई पण देश आटलू सरस सफ़ेद रण धरावतु नथी। अगर इतिहास के पन्नों पे देखने जाए तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इतना सुंदर सफ़ेद रण वाइट डेजर्ट कोई भी देश के पास नहीं है। त्या विश्वमांथी सहेलाणियों आवे छे, यहाँ पे पूरे विश्व में से, पूरी दुनिया में से लोग देखने को आते हैं। कच्छ के लिए कुछ ऐसा भी कहा जाता है, सियाड़े सूरठ बलो, उनाड़े भलो गुजरात, चौमा से वागड़ बलो, उलो कचड़ो बारे मास। मतलब कि हर जगह की कुछ विशेषता होती है, कुछ ठंडी के मौसम में अच्छा होता है, कुछ गर्मियों में, लेकिन कच्छ के लिए कहा गया है कि पूरे साल 12 महीने कच्छ में, पूरे 12 महीने आप कच्छ में रह सकते हैं। आ ऐतिहासिक अने पवित्र भूमि ने दरेक भारतीयोए जोवी जोईए। इस ऐतिहासिक और पवित्र भूमि को सब भारतीयों को देखना चाहिए। कच्छनी संस्कृति की पवित्रता एक उदाहरण समान छे। कच्छ की संस्कृति की पवित्रता एक उदाहरण के तौर पर है, तो यहाँ सबको देखना चाहिए, जानना चाहिए। ये था हमारा चैप्टर 5, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी वर्कशीट भेजूंगी, वो आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करनी है।